फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेत्र कोटर की पेशियों के बारे में, आई मसल्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारी आंख की जो आई सॉकेट्स के अंदर जो हमारी आई बॉल्स होती है, उन आई बॉल्स को पकड़े रखने के लिए छह प्रकार की मसल्स पाई जाती है हमारी। तो छह प्रकार की जो मसल्स हैं वो हमारी आई बॉल को पकड़े रहती है। और हमारी जो आंख की हमने परतें पढ़ी थी, तो उसमें सबसे बाहर वाली परत हमने पढ़ी थी श्वेत पटल। तो इस श्वेत पटल से जुड़ी हुई रहती हैं ये मसल्स, जो मसल फाइबर्स को हम देख रहे हैं, ये बंडल्स के रूप में पाए जाएंगे मसल फाइबर्स हमारे। तो दो प्रकार की मसल्स हैं, एक तो रेक्टस प्रकार की मसल्स है और दूसरी है ऑब्लिक मसल प्रकार की मसल्स। तो रेक्टस प्रकार की जो मसल्स हैं वो चार मसल्स हैं, और ऑब्लिक टाइप की मसल्स हैं वो दो मसल्स हैं, दो पेशियां हैं। तो रेक्टस शब्द जो आया है, एक्चुअल में रेक्टस शब्द जो आया है उसका रेक्टी का मतलब होता है स्ट्रेट, यानी कि ये जो रेक्टस मसल्स होती हैं ये अपना जो ओरिजन है जहां से उनकी उत्पत्ति हुई है वहां से ये सीधा चलती है, स्ट्रेट चलती है इस तरह से ये, और ये स्ट्रेट ही हमें आई मूवमेंट में मदद करती है। और जो ऑब्लिक शब्द है, ऑब्लिक की हिंदी होती है तिरछा, यानी कि हमारी आंख को किसी एक कोण की तरफ तिरछा देखने में जो आई बॉल को मूवमेंट कराती है उन मसल्स को कहते हैं हम ऑब्लिक मसल्स। तो रेक्टस मसल्स के चार प्रकार हैं। चार प्रकार में देखिए, सबसे पहला जो है वो है लेटरल रेक्टस मसल। लेटरल साइड की तरफ ये आई बॉल का मूवमेंट कराती है। लेटरल साइड कौन सी हुई कि जैसे मेरी दोनों आंखें हैं, तो ये मेरी राइट और ये मेरी लेफ्ट, तो ये इस तरफ देखे और ये इस तरफ देखे, तो ये कौन सा मूवमेंट हो गया आई का, ये हो गया लेटरल रेक्टस मसल वाला मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट। दूसरा है मीडियल रेक्टस मसल। मीडियल जो मूवमेंट हुआ, जैसे मैं अपनी नाक की साइड दोनों आंखों से इससे मैं इस नाक की साइड देखूं और इधर से नाक की साइड देखूं, तो ये वाला काम जो है मेरा कौन सी वाली मसल करेगी, मीडियल रेक्टस मसल्स। तो दोनों तरह की मसल्स का पता चल गया आपको, लेटरल रेक्टस मसल और मीडियल रेक्टस मसल। लेटरल रेक्टस मसल्स लेटरल साइड्स में देखने में मदद करेगी, और मीडियल रेक्टस मसल्स यानी कि नाक की साइड अंदर की साइड देखने में मूवमेंट करने में मदद करेगी। इसके बाद तीसरे प्रकार की जो मसल है जो ऊपर मैंने बनाई हुई है, ये है सुपीरियर रेक्टस मसल। सुपीरियर रेक्टस मसल यानी आंख को ऊपर की तरफ मूवमेंट कराएगी। और दूसरी होगी इन्फीरियर रेक्टस मसल। इन्फीरियर रेक्टस मसल यानी आंख को नीचे की साइड मूवमेंट कराएंगे। तो इस तरह से लेटरल, मीडियल, सुपीरियर और इन्फीरियर, ये चारों प्रकार की रेक्टस मसल्स हमने देखी। इसके बाद हम आते हैं ऑब्लिक मसल्स पे। ऑब्लिक मसल्स के दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स में देखिए, हमने डायग्राम के अंदर दिख रहा है, ये वाली ऊपर वाली तो है इन्फीरियर ऑब्लिक मसल, और ये नीचे वाली जो है ये है सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स। इन्फीरियर ऑब्लिक मसल और सुपीरियर ऑब्लिक मसल, दो प्रकार की ये मसल्स हैं। तो इनके कार्य हम पढ़े, तो हम सबसे पहले लेंगे सुपीरियर ऑब्लिक मसल। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं डाउन शब्द से। तो डाउन में पहला अक्षर डी है, क्या है पहला अक्षर डी, दूसरा अक्षर क्या है ओ, तो डी से डाउन यानी नीचे और ओ से बनाते हैं हम आउट। तो डाउन एंड आउट, नीचे और बाहर, नीचे और बाहर। इसके मूवमेंट में आईज के देखिए बाहर बाहर बाहा, डाउन एंड आउट मूवमेंट के लिए कौन सी वाली मसल काम करेगी, सुपीरियर, सुपीरियर ऑब्लिक मसल। और दूसरी हमारी बच गई इंफीरियर ऑब्लिक मसल, इसका उल्टा कर लीजिए सुपीरियर का, तो डाउन की जगह क्या हो गया अप, और आउट की जगह क्या हो गया इन, ऊपर और अप और इन, ये वाली मसल कौन सी वाली होगी, इन्फीरियर मसल। तो इस तरह से हम आंखों को नीचे की साइड और ऊपर की साइड एंगल्स में देखते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट, छह प्रकार की ये जो मसल्स हैं ये हमारी आई बॉल की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। थैंक्स।